थोड़ा साफ ही करके बनाओ, इधर उधर कर लो अगर नहीं आ रही। वैसे सही आई थी वीडियो। जय हिंद। मैथ्स आज शुरू हो रहा है, मैथमेटिक्स मतलब गणित, और गणित के अंतर्गत आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। गणित को शुरू करने के पीछे कई सारे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं और उनकी डिमांड है कि सर अभी गणित आप शुरू कर दीजिए ताकि हमारी परीक्षा लेखपाल की लगी हुई है, और लेखपाल की परीक्षा जो है UP SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होनी है, जून में इसकी परीक्षा लगी हुई है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम आज से आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। रीजनिंग की वीडियो भी आती रहेंगी बीच बीच में, लेकिन रीजनिंग के मैंने लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। उन 5 चैप्टर को आप वापस रिविज़न करते रहिए, काफ़ी कुछ उसमें कराया गया है, छोड़ा कुछ नहीं गया है, लेकिन नोट्स बना के उनको चीज़ों को ठीक से करते रहेंगे तो आपको पाँचों के पाँचों चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अब चूँकि मैथ्स की डिमांड लोग कर रहे हैं तो इसलिए मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चूँकि ये चैनल आप ही के लिए बना है और जैसा जैसा आपकी डिमांड रहेगी वैसा वैसा इस चैनल आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है, चूँकि अभी लेखपाल की परीक्षा है तो इसलिए मैथ्स उसमें आएगा, रीजनिंग तो उसमें आएगी नहीं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि गणित पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स। तो इसलिए हमने आज पहला चैप्टर लिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं बोलो? साधारण ब्याज। सबसे पहला प्रश्न उठता है दिमाग में, साधारण ब्याज यानी ब्याज किसे कहते हैं? केवल ब्याज। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? तो इंटरेस्ट की परिभाषा होती है जब कोई धनराशि है ना किसी व्यक्ति को दी जाती या किसी फर्म में रखी जाती या किसी बैंक में रखी जाती या उस फर्म से ली जाती है या किसी व्यक्ति से ली जाती, उसके बदले में हम जो अतिरिक्त पैसा देते हैं, यानी कि जब हम किसी धनराशि के बदले में एक निश्चित समय पर और एक निश्चित दर से कुछ पैसा एक्स्ट्रा देते हैं या अतिरिक्त पैसा देते हैं, उस पैसे को ही क्या कहते हैं बोलो? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ब्याज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ब्याज भी दो तरह का, एक होता आपका कैसा साधारण ब्याज और एक होता आपका कैसा चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो सबसे पहला है वो है साधारण ब्याज, यानी साधारण दर पर। ठीक है, मान लिया कुछ पैसा है, मूलधन है पी, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहेंगे, मूलधन पी जो है टी समय के लिए R% की दर से उधार दिया गया, उसके बदले में जो पैसा मिला उसको हमने क्या नाम दे दिया? साधारण ब्याज। क्या नाम दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर होगी बात? मान लो हमने किसी व्यक्ति को पी रुपए दिए, कितने रुपए दिए? पी। यहाँ पर पी मूलधन रहेगा, कितने की रेट पर? आर की रेट पर, है ना, आर रेट पर ये दर रहेगी इतने की, टाइम टी समय के लिए दिया। ठीक है, तो उसका साधारण ब्याज कितना रुपए होगा? तो ध्यान रखना, जब हम इस मूलधन की दर से और इसका जो मूलधन और दर का गुणनफल आएगा इसकी समय से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ऐसा ही साधारण ब्याज। क्या निकल के आएगा? साधारण ब्याज। लेकिन ये वार्षिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? वार्षिक के लिए। अगर यही चीज़ आपको महीने के लिए निकालनी होगी तो फिर आप क्या करोगे? नीचे 12 से गुणा कर दोगे, है ना। महीने के लिए निकालनी होगी तो नीचे 12 से क्या कर दोगे, चूंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये तो वर्ष की बात हो गई। किसकी बात हो गई? वर्ष के लिए। लेकिन जब आप मासिक निकालनी हो, मासिक ब्याज निकालना हो, तो आप क्या कर देंगे? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू कितना बोलो? 12। इतनी बात ध्यान रहेगी। लेकिन अगर मान लिया दिन के लिए निकालनी हो, दिन दिवस के लिए निकालनी हो, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन इंटू कितने दिन होते हैं? 100, एक साल में 365, औसतन 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं, उसका मुद्दा नहीं है। ठीक, लीप ईयर कहेगा तो 366 लगा देना। तो दिन
मान लो 10 दिन का ब्याज कहेगा तो यहाँ टाइम कितना लगा दोगे? 10 दिन। वो कहेगा 2 महीने तो टाइम कितना लगा दोगे? 2 माह, है ना। वो कहेगा 1 साल तो यहाँ कितना टाइम लगा दोगे? 1 साल। कुल मिला के आपने देख लिया, जब कोई धनराशि ठीक किसी निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर पर उधार ली जाती है या दी जाती है, उसके बदले में जो धनराशि हमें मिलती है, ठीक, उस बढ़ी हुई धनराशि को ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन को दर से गुणा और जो दर आती है उसको टाइम से गुणा करके 100 से भाग करेंगे, ये वर्ष के लिए लागू होता है, ठीक। लेकिन वहीं मासिक अगर दिया हुआ है, मासिक महीने का ब्याज निकालना है तो महा यहाँ कर देंगे और नीचे 12 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर दिन के लिए दिया हुआ तो दिन यहाँ लिखेंगे, 365 से भाग कर देंगे। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ समझने की ये है कि एक शब्द आता है यहाँ मिश्र धन। क्या आता है बोलो? मिश्र धन। मिश्र धन को क्या कहते हैं बोलो? अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होती है? मान लो हमने आपको कुछ पैसे उधार दिए, हमने आपको कुछ पैसे ब्याज साधारण ब्याज की दर पर दिए, मान लो हमने आपको 100 रुपये दिए और आपने 1 साल के बाद 121 रुपये वापस कर दिए, ठीक। तो ये जो 121 रुपये वापस किए, ये 121 रुपये मिश्र धन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिश्र धन। मिला हुआ है ना, इसमें हमने जो दिया वो पैसा और आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी वो 21 रुपये, वो भी इसके अंदर है। तो इस मिले हुए पैसे को क्या कह दिया? मिश्र धन। इंग्लिश में कहेंगे इसको अमाउंट। क्या कहेंगे? अमाउंट। अमाउंट कैसे ज्ञात की जाती है? तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए आप जो मूलधन होता है, क्या होता है? मूलधन, उसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? साधारण ब्याज। तो बताओ क्या आ जाएगा निकल के? अमाउंट आ जाएगी निकल के। ये आगे जब इसके बाद वाला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें है ना, जिसमें चक्र पर आधारित, चक्रों पर ब्याज लगता है ना, साइकिल के रूप में ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है इसमें, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये मुद्दा अगला वाला है, ये टॉपिक दूसरा है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट की रिकॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने आज आपको सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा बताई है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। दूसरा हमने मूलधन, जो मूलधन दिया गया, जो किसी वस्तु व्यक्ति को जो पैसा दिया गया वो मूलधन होता है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? जिस दर पर दिया जाता है ना, उसको रेट कहते हैं, है ना। और जिस निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसको समय कहते हैं। अगर हम इन तीनों की गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल के आता है। यही बात मासिक में अगर हम करेंगे तो 12 से गुण भाग कर देंगे, और अगर दिन के लिए निकालना होगा तो ये 365 से भाग कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इस पे लगभग 8 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? 8 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लेकिन इतनी बात पक्की है कि 1 या 2 प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे वर्तमान में आपकी लेखपाल की परीक्षा लगी हुई है, उस परीक्षा में पुलिस, SI, है ना, SSC MTS, इन सभी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। कहाँ से बोलो? साधारण ब्याज से। समझ में आ रहा है ना? तो आपने देखा SI बराबर क्या हो गया? P×R×T/100। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। SI समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, रेट समझ गए, टाइम समझ गए। बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। बेसिक मजबूत होगा तो आप जहाँ जाएंगे वहीं पर मैथ्स को सोल्व कर लेंगे, नहीं तो आप ट्रिकबाजी में पड़ेंगे, ट्रिक रटोगे और ट्रिक भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो आपका सवाल, आने वाला सवाल भी नहीं हो पाएगा, है ना। ट्रिक कहाँ से बनती है? ट्रिक बेसिक से बनती है। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो ट्रिक बहुत आसानी से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि SI बराबर PRT/100 होता है। अगर मुझे इसी फॉर्मूले से, किससे? इसी फॉर्मूले से P निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बोलो? अगर मैं P निकालूंगा तो SI इंटू
100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, बोलो ये हो जाएगा। और p की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कितना आ जाएगा बोलो, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। किसकी समझ में नहीं आया, ये यहाँ से दूसरी चीज़ निकल के आ जाएगी, p निकल के आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से t निकालना है, क्या निकालना है, क्या r निकालना है, इसी फॉर्मूले से r, तो एस आई बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है बोलो, 100 है ना। तो इसके बटे एक करूँगा, एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। बोलो समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। ठीक, ये जो मैथ्स है, इस मैथ्स को हम आपको बिल्कुल जीरो से, है ना, आसान से टफ की तरफ को ले चलेंगे, इजी से मॉडरेट की तरफ को ले जाएंगे। जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं, सबसे टफ क्वेश्चन मैं देखता हूँ एसएससी सीजीएल में ही पूछे जाते हैं मैथ्स के, वहाँ तक के सवाल हम आपको करा देंगे, सारे सवाल, कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। बस ध्यान रखिए आपके ऊपर करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ से देखिए अगला, एस आई बराबर ये कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन बोलो कितना, 100। यहाँ से अगर टी फाइंड आउट करना होगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आई इंटू 100 एस आई इंटू 100 अपॉन बोलो कितना, पी इंटू आर। तो यहाँ से आपने देखा क्या फाइंड होके आ गया, टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपने टाइम फाइंड करना सीख लिया। ठीक, हटा दें इसे, ऑनलाइन वाले जितने भी फॉर्मूले, सारी चीज़ें सब लिख लेंगे कॉपी पे, उसके बाद आगे लिख करना शुरू करेंगे। ये चीज़ें नहीं सीखोगे आगे सवाल नहीं आएंगे। कोई आपको कह रहा ट्रिक हम तैयार करा देंगे, रटा देंगे, कुछ नहीं होने वाला, बेसिक्स मजबूत रखिए। आगे देखिए, हमने आपको पढ़ाया एस आई बराबर कैसे निकलता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो एस आई निकल के आता है ना। यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एस आई। और अगर यहाँ से एस आई में ये वाली वैल्यू पी इधर ला के जोड़ दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सबकी समझ में आ गया इतनी बात। ठीक है, सवालों पे चलें अब। ठीक है, मतलब हमने ये देख लिया कि अमाउंट किसे कहते हैं, है ना। तो हम अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, है ना। यानी कुछ समय के लिए हमने जो धनराशि दी उसके बदले में जो हमें संपूर्ण धनराशि मिली उसको हमने क्या कह दिया, मिश्र धन कह दिया। मिली हुई है ना, देखो मिश्र धन के अंदर जो हमने दिया वो तो है ही है, इसके अलावा जो ब्याज बना वो भी है। ठीक, तो इसको हमने क्या कह दिया, मिश्र धन कह दिया। ठीक है, अब आ जाइए आप, जो लगभग 8 या 9 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उसमें आज पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो देखिए। आज टॉपिक रहेगा साधारण प्रश्नों पे। किस पर रहेगा, साधारण प्रश्नों पर। आप टॉपिक क्या पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखते रहेंगे, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं सिंपल इंटरेस्ट डालेंगे, टॉपिक आ रहा सिंपल इंटरेस्ट उसका पार्ट 1 देखेंगे, उसकी क्या बनाएंगे नोट्स। ठीक, सवाल 1 देखिए। सवाल 1 है, 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। हाँ भाई, 150 आ गया आप लोगों का, चलिए करते हैं। कितना है बताओ, सबसे पहला काम करेंगे पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 500 रुपये। कितने समय के लिए दिया गया, तो टाइम बोलो कितना आ गया, टाइम आ गया 3 वर्ष। रेट कितनी है, फाइंड आउट क्या करना है बोलो, साधारण ब्याज, तो एसआई है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया था,
सारे बोलो सारे, और जब तक बोलो जब तक ये चीज तैयार नहीं हो जाती। पी कितना है, रेट कितनी है 10%, और टाइम कितना है, कौन बोलो, 20 से 5 10 जा और 53 जा, ये क्या आ गया 150 रुपया क्या गया, ऐसा ही। अब अगर हम इसी प्रश्न में ये पूछ लें आपसे कि इसमें बताओ मिश्र धन कितना होगा, तो बताओ भाई मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट ये तो ऐसा ही आ गया निकल के, इसी प्रश्न में अमाउंट कितना होगा कौन बताएगा, तुम बताओ, अमाउंट 650 है ना, क्यों 500 रुपये तो आपका पी था ना, 500 रुपये पी था और ऐसा ही कितना आ गया 150, तो बताओ पी ए कितना आ गया। आपने किसी को 500 रुपये दिए, 150 रुपये ब्याज लिया, तो क्या 150 ब्याज लेके छोड़ दोगे उसे या ये भी लोगे, तो ये दोनों जो मिला के लोगे ना उसको ही अमाउंट कहेंगे, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं। ये सवाल नंबर एक। अब आप सवाल नंबर दो देखिए। सवाल नंबर दो है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ट्राई करिए इस सवाल को। सबसे पहली बात क्वेश्चन में पूछा है साधारण ब्याज की किस दर से, तो बताओ उसने आपसे क्या पूछा, रेट पूछी ना, रेट पूछी है, और बोलो सवाल बोल दो एक ना, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का, 600 रुपए का, ये 600 रुपए क्या हुआ, पी की वैल्यू कितनी, 600, सारे बोलो 600 रुपए, दस वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ, ये दस वर्ष क्या पूछ रहा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, अब इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, रेट, तो बताओ अभी आपको हमने बताया था SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन बोलो कितना 100, वैल्यू सारी पुट कर दो इसमें, SI की जगह 120 लगा दो, प्रिंसिपल 600 लगा दो, रेट पता नहीं है, R फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना 10 साल है, और बटे बोलो कितना 100। देखो दिख रहा है साहब, वीडियो में देख लो, कभी वो ऑनलाइन वाले परेशानी हो, साहब दिख रहा नहीं दिख रहा, चलिए इसको काट लीजिए, ये 20 से 20 है ना, और ये कितना आ गया 6 से 6 दुनी 12 0, और ये 10 दुनी 20 और 2 तिया 6, तो बताओ रेट कितनी आ गई, 2 आई 3 आई, हमारी तो 3% आ रही है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार फिर से, हाँ कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एक बार दोबारा से हम बता देते हैं, देखिए दोबारा से, SI कितना था बोलो, 120, प्रिंसिपल था 600, रेट पता करनी है, टाइम कितना 10 साल बटे 100, ये 20 से 20 कट गए है ना, और ये 6 से 6 दुनी 12 20 आ गया, और 10 दुनी 20 आ गया, रेट 2%, ठीक है भाई, सबका आंसर सही है, 2% आएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, हटा दूं। सवाल नंबर तीन देखिए, सवाल नंबर तीन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई हो, है ना, तो क्या निकलवा रहा वो, प्रिंसिपल, क्या दिया हुआ है, रेट दे रखी है कितनी, 7%, और क्या दिया है, 4 वर्ष, और क्या दिया है, चलो भाई बताओ क्या करो इस सवाल में, क्या निकालना है, जल्दी बताओ फटाफट, प्रिंसिपल निकालना है,
क्या फॉर्मूला लगा दूं? P into R into T upon SI की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू बताओ, रेट टाइम अपॉन सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया? 7 चौक 28 और 28 से 28 कट गया, 10 आ गया। इसकी गुणा कर दी क्रॉस तो P की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 1000। कितनी आ गई? किसकी समझ में नहीं आया? मैथ से आसान कोई विषय नहीं और मैथ से टफ कोई विषय नहीं। समझोगे तो मैथ आसान है, नहीं समझोगे तो मैथ टफ है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर कौन सा है? हम आसान सवालों से टफ की तरफ ले जाएंगे आपको, ठीक। सवाल नंबर चार है, 1500 रुपये का धन 4% वार्षिक दर से पाँच वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 1500। टाइम कितना है? 5 वर्ष। रेट कितनी है? 6%। और बोलो, अमाउंट पूछ रहा है ना? Yes, क्या करें? ऐसा ही फाइंड कर ले। ऐसा ही की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी है? रेट टाइम अपॉन, ये कितना आ गया? 5×5=25, 150 रुपये। ये क्या आया बोलो? ऐसा ही। अच्छा 1500 है ये, तो चलो 1500, तो कितना आ गया ये? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15×90 9×5=45, तो कितना आ गया ये? 450। लेकिन उसने आपसे ए पूछा है ना, तो ए बराबर SI प्लस कितना करोगे? पी। तो ये 450 प्लस पी कितना था? 1500। तो बराबर कितना आ गया? 1950। सबकी समझ में आ गया? सवाल नंबर पांचवा है सर। सवाल नंबर पांच देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, तो रेट कितनी है बोलो? 5% है ना, कि दर से 500 रुपये का पी की वैल्यू कितनी है? 500 रुपये का कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा? 150। अगर बेस से सवाल करेंगे और स्पीड को बढ़ा लेंगे तो ट्रिक से जल्दी आप हल कर लेंगे, ठीक है? स्पीड तो SI बराबर बोलो, पी कितना है, रेट कितनी है, टाइम कितना, अपॉन कितना, SI की वैल्यू सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो और 5×3=15 और 5×6=30। टाइम बोलो कितना? 6 वर्ष। सबकी समझ में आ गया भाई? Yes, टाइम देखो कितना हो गया वीडियो में, ठीक है? अब इस वीडियो को यहीं रखेंगे, दूसरा पार्ट अभी दूसरे में, ठीक है भाई? जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में तुम लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो, पता नहीं क्यों, है ना? यहाँ बहुत मेहनत लग रही है भाई पढ़ाने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक फैला दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें, मतलब लाइक शेयर कर दें चैनल को, काफ़ी लोगों तक फैला दें। क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेसिक, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीब अमीर कुछ भी, इस चैनल को हर घर में पहुँचा दो, जो भी पढ़ना चाहता है। एक बार वो देख ले चैनल को, वीडियो को देख ले, तो वो फिर समझ में आ जाएगी उसकी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोकते चलिए। थैंक यू।